तो हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन देखा, हैबिटेट देखा, उसके बाद हैबिट देखा, और उसके बाद हमने चालू किया रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने आगे पढ़ा है, बैट्रेकोस्पर्मम इज अ हैप्लोइड प्लांट, एक कीय वनस्पति से बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द प्लांट बॉडी ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। जो सबसे पहले नीचे एन लिखा हुआ है, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी, मुख्य जो सुकाय से दर्शाय से ब्लू कलर से। रिप्रोडक्शन में हमने आगे देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने वो देखा था कि ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लिंग जन्युक प्रकार नो लिंगी प्रजनन एमा जोआ मरे से, ओके। सेक्स ऑर्गन्स थे मेल एंड फीमेल, मेल को हमने नाम दिया था स्पर्मेटांजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया था कार्पोगोनियम, क्लियर। स्पर्मेटांजियम में डेवलप हुआ स्पर्मेशियम और कार्पोगोनियम में था एग सेल। कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर बाकी के सारे काफी सारे एल्गी से अलग होता है, इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, जिसमें देखा था बेसल स्वॉलन स्फेरिकल रीजियन और ऊपर ट्राइकोगाइनी। ट्राइकोगाइनी का शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्पैचुला शेप हो सकता है, या तो क्लब शेप हो सकता है, जो कल हमने डिस्कस किया था। पर ये दोनों पोर्शन के बीच में कंस्ट्रिक्शन खांच जोगा मरे से। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बेसल पोर्शन है उसमें न्यूक्लियस है, जिसको हम कहते हैं एग न्यूक्लियस, और ट्राइकोगाइनी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। देर आर डिफरेंट व्यूज, एक व्यू है कि उसमें दोनों में न्यूक्लियस था, ट्राइकोगाइनी वाला डिसअपियर हो गया, दूसरा व्यू है कि उसमें है ही नहीं। हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि नीचे वाला जो पोर्शन है, जो स्वॉलन है, बेसल पोर्शन है, उसमें एग न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो एज एन एग बिहेव करता है, जबकि जो अपर रीजियन डिस्टल रीजियन जो दूरनो भाग से, जिसको हमने कहा है ट्राइकोगाइनी, उसका मेन काम है रिसेप्शन ऑफ मेल गैमेट, नर जन्यु ने पे रिसीव करे छे अने एमाथी पसार थाय छे। स्पर्मेटांजियम दो से तीन या चार से पांच में होते हैं, उसके अंदर स्पर्मेशियम मेल गैमेट डेवलप होता है, एक स्लीट बनती है, स्लीट से स्पर्मेशियम बाहर आके पानी में तैरता है। दोनों जब मैच्योर हो जाते हैं तो ट्राइकोगाइनी के अपर रीजियन में मिसलेज श्लेष्मनु निर्माण थाय छे, स्त्राव थाय छे, और ये मिसलेज से वो अट्रैक्ट होंगे, आके वहां पे चिपकेंगे। कोई भी एक जो स्पर्मेशियम है उसकी और ट्राइकोगाइनी की जो कॉमन वॉल है अटैचमेंट के जगह पर, वो डिसॉल्व होगी, पोर क्रिएट होगा, न्यूक्लियस उसमें एंटर करेगा। मेल गैमेट का ये न्यूक्लियस ट्राइकोगाइनी में एंटर होने के बाद पास होके नीचे की ओर जाएगा और एग न्यूक्लियस के साथ जुड़ के वो फ्यूज होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फलननी क्रिया त्यां थाय छे, बन्ने कोष केंद्रों मळे छे, और एन प्लस एन मेल प्लस फीमेल ये न्यूक्लियस दोनों मिलके यहाँ पे बनाते हैं 2N, डिप्लोइड जायगोट फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर जायगोट इज द ओनली डिप्लोइड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम। युग्मनज जे बन्यू ए एकमात्र अवस्था छे के जे द्विकीय छे, आखा जीवन चक्र में एक अलग अलग अवस्थाओं आवे छे, अपने जो इस कई कई आवे छे छेले लाइफ साइकिल में, मैं लख्यू पण छे डायग्राम में, ठीक है। तो जायगोट सिर्फ अकेला स्टेज है जो कि डिप्लोइड है, जो कि स्पोरोफाइटिक फेज है, एकमात्र ये बीजाणु जनक अवस्था छे।
બાકી આખા જીવન ચક્રમાં આપણે જોઈશું જન્યુજનક અવસ્થા. એક્સેપ્ટ ઝાયગોટ, હોલ લાઈફ સાયકલ, ધ સ્ટેજીસ ઓફ લાઈફ સાયકલ ઇઝ ગેમેટોફાઇટિક. ઠીક હૈ, ઝાયગોટ મેં દેખા થા કે વો રેસ્ટિંગ પીરિયડ મેં નહીં જાતા હૈ, ઇમિડિયેટલી વો ડિવાઇડ હોતા હૈ મિયોસિસ સે, પંચ સૂત્રી વિભાજન સે ચાર હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયાઈ બનતે હૈ, फिर माइटोटिक डिवीजन होते हैं और न्यूक्लियाई बनते हैं. जायगोट का डिप्लोइड न्यूक्लियस अब काफी सारे हैप्लोइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुका है. जायगोट के नीचे वाले सेल जिसको हमने नाम दिया था सपोर्टिंग सेल या सिस्टर सेल, या जायगोट के नीचे है हाइपो, नीचे मतलब हाइपो, हाइपो बेजल सेल, नीचे बेज में नीचे की ओर है हाइपो बेसल सेल, या तो ये गाइनोसियम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था कार्पोगोनियम, उसके नीचे वाला सेल तो उसको हाइपोगाइनस सेल भी कहा जाता है. ठीक है, सिस्टर सेल, सपोर्टिंग सेल, हाइपोबेसल सेल या हाइपोगाइनस सेल, कोई भी वर्ड आप यूज करो, सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे सही है. ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि एक नाम और रेफरेंस में दूसरा नाम पूछा जाए. ठीक है, तो जायगोट में काफी सारे हैप्लोइड न्यूक्लियाई बने, प्रोट्यूबरेंसेस फॉर्म हुए, प्रवर्ध बना. इस प्रोट्यूबरेंस को हमने नाम दिया था, कौन बताएगा क्या नाम दिए थे हमने? गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, या तो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल. ठीक है, सेल वो डिवाइड हुआ और फिलामेंट बनाया, ऐसे काफी सारे फिलामेंट्स बने जिसको हमने नाम दिया गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. गुजराती में जे शुरुआत नो एक कोशीय रचना बनी एने कहवाय आदि उत्पादी सूत्र, अने गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट ने कहवाय उत्पादी सूत्र. इसका जो सबसे ऊपर वाला सेल है, वो सबसे ऊपर वाला सेल फूड एक्युमुलेशन से बड़ा हुआ, स्फेरिकल बना, जिसको हमने नाम दिया था कार्पोस्पोरांजियम, जिसमें सिंगली डेवलप हुआ कार्पोस्पोर. ठीक है, ये जायगोट से डेवलपमेंट हुआ. उसके नीचे वाला सेल है हाइपोगाइनस, हाइपोबेसल या सपोर्टिंग सेल, उसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, माइटोटिक डिविजन्स हुए, काफी सारे न्यूक्लियस बने, प्रोट्यूबरेंस हुआ, उसमें भी फिलामेंट बने, लेकिन उसके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, कोई पण प्रजनन अवस्था विकास न हो पाने, तो वहां पे कोई फर्टाइल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, इसके लिए इस फिलामेंट्स को हमने नाम दिया था स्टेराइल फिलामेंट्स. ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर साइगोट, हाइपोबेसल सेल, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, कार्पोस्पोरांजियम, कार्पोस्पोर्स और स्टेराइल फिलामेंट, ये सब मिला के जो एक गुच्छा बना, एक बंच बना, उसको हमने नाम दिया सिस्टोकार्प, गुजराती में कोष्ठ फल अथवा तो फल काय. इस सिस्टोकार्प में डेवलपमेंट होता है कार्पोस्पोर्स, हमने उसको नाम दिया एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स बनते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट. ठीक है, कार्पोस्पोर्स वहां से लिबरेट हुए, सेटल हुए, वहां से अब हमारा आगे लेक्चर हमें आज पढ़ना है. तो कल तक हमने किया था डेवलपमेंट ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट, या तो फ्रूटिंग बॉडी या सिस्टोकार्प, या तो हमने पढ़ा था चेंजेस आफ्टर fertilization, post fertilization changes in batrachospermum. ठीक है, तो आज हम वहां से आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम शेयरिंग यू अ स्क्रीन, जो डायग्राम्स आपके सामने आए. हाँ,
अभी स्क्रीन आ गया आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे डायग्राम आया। नो सर। नो सर। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। अभी मैं ही दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब हुआ सर। हाँ अब आया, मतलब कनेक्टिविटी काफ़ी लो है, इंटरनेट की स्पीड बहुत लो है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, ठीक है, कार्पोस्पोर, ये कार्पोस्पोर, कार्पो कार्पोस्पोर, तो ये रियल और चलिए नेकेड, उसके ऊपर कोई थिक वॉल नहीं है, थिक वॉल नहीं है मतलब वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाएगा, सीधा उस पर जर्मिनेशन होगा, ठीक है। और ये कार्पोस्पोर जैसे आपको डायग्राम में स्क्रीन पर दिख रहा है, इमीडिएटली इट जर्मिनेट्स, सारा तेनु अंकुरण फाइलशु, और दो सेल बनते हैं, एक ट्यूबुलर जर्मिनेशन ट्यूब बनती है, ठीक है, गुजराती में कहे अंकुरण नलिकानु निर्माण फाइलशु, फिर वहाँ पे सेल डिवीजन चालू हुआ, ठीक है, सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना। अब देखो यहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन डायग्राम, ठीक है, मैं स्क्वायर बना रहा हूँ जो आपको दिखेगा, दिस इज उसमें से दो सिस्टम डेवलप हुई, वन इज प्रोस्ट्रेट एंड अनदर इज पेरेंट और प्रोजेक्टिंग सिस्टम। कार्पो बीजाणु अंकुरण थयु, अंकुरण नलिका कोष विभाजन पामी अने घना बदा कोष विभाजन ना अंते तेने प्रसारित शाखाओ अने आयाम शाखाओ एवा नानकड़ा सुकाईनी रचना करी, ठीक है। रिमेम्बर द मेन प्लांट बॉडी, उसमें भी यही थी और उसको हमने नाम दिया था हेटेरो ट्राइकस स्ट्रक्चर, ठीक है। सुनाम आप्यु तो आपने गुजराती में विषम सूत्रीय सुकाय हेटेरो ट्राइकस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें आगे डेवलपमेंट हुआ और उसने एक छोटा सा प्लांट बनाया, ये छोटा प्लांट है, ये प्लांट पेटेकोस्पर्मम जैसा नहीं दिखता है, अलग दिखता है, लेकिन अलग किसके जैसा दिखता है, ठीक है, तो ये दिखता है दूसरी एक अलगी है जिसका नाम है सेंट्रेंसिया, सी एच का आप चौ कर सकते हो या क कर सकते हो, कैंट्रेंसिया या चेंट्रेंसिया, ठीक है। तो दिस स्टेज लुक्स लाइक एन अनदर एल्गी व्हिच इज नोन एज चेंट्रेंसिया, इस वजह से इसको कहते हैं चेंट्रेंसिया स्टेज, चेंट्रेंसिया अवस्था तरीके आने ओळखवामां आवे छे, कारण के एना जेवी देखाय छे। तो ये चेंटेंसिया स्टेज वो थोड़े टाइम रहेगा, ठीक है, रहेगा और उसमें क्या होगा, चेंटेंसिया स्टेज में
डेवलपमेंट होगा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है. रिमेंबर दिस सेंटेंस, या स्टेज इज माइक्रोस्कोपिक, कदमा એટલું નાનું છે કે તેને અભ્યાસ કરવા માટે માઇક્રોસ્કોપ નો ઉપયોગ જરૂરી બને છે. ઓકે, સેન્ટેન્સિયા સ્ટેજ ઇઝ માઇક્રોસ્કોપિક હેટરોટ્રાઇકસ સ્ટ્રક્ચર રિસ્પોન્સિબલ ફોર એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. ઓકે, ક્યાં યહાં પે આયા? એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि बैट्रेकोस्पर्मम में हम पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाद में पढ़ेंगे एसेक्सुअल, क्योंकि ये आता ही बाद में है. जो मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ओके, होता है, लेकिन कौन सा वाला? ये वाला कार्पोस्पोर, उसमें बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं. चेंटेंस या स्टेज में बनता है मोनोस्पोरांजियम. ठीक है, यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे डायग्राम को एनलार्ज करता हूँ, सो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. ठीक है, दिस इज अ सिंगल मोनोस्पोरांजियम. ये भी देखो डेवलप कहाँ होता है, जो सेप्टम है उसके जस्ट नीचे से एक छोटी सी ब्रांच डेवलप होती है. ओके, और इस ब्रांच के ऊपर उसकी भी सब ब्रांचेस हो सकती है, उसमें ये मोनोस्पोरांजियम डेवलप होते हैं. दिस इज कंपैरेटिवली लार्जर, जो हमारा स्पर्मेशियम बना था उसके कंपेयर में इसकी साइज बड़ी होती है. एंड कलर उसका डार्क होता है. ठीक है, ऐसे सिंगल सिंगल काफी सारे मोनोस्पोरांजियम डेवलप होते हैं, और हर एक मोनोस्पोरांजियम का सेल कंटेंट जो है इट डेवलप्स इन मोनोस्पोर, एक बीजाणु अथवा एकल बीजाणु परिवर्तित थाय छे. और ये मोनोस्पोर है वो वहां से लिबरेट होंगे, लिबरेट होके जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके फिर से वो चेंटेंसिया स्टेज डेवलप करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चेंटेंसिया स्टेज में ये स्पोर्स हुए और स्पोर्स से फिर से नया प्लांट हुआ, जिसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी प्रजनन. ठीक है, तो ये काफी सारे मोनोस्पोर्स इसमें डेवलप होते हैं, हर एक मोनोस्पोर नया चेंटेंसिया स्टेज बनाया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ चेंटेंसिया स्टेज टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मोनोस्पोर्स. हर एक स्टेज में हजारों की संख्या में मोनोस्पोर्स बनेंगे, मतलब इन हंड्रेड सैकड़ों की संख्या में बन से, और ये मोनोस्पोर फिर से नया चेंटेंसिया स्टेज बनाएंगे. सो बहुत सारे चेंटेंसिया प्रोड्यूस होते हैं. एनी डाउट? ठीक है, अब देखो ये चेंटेंसिया स्टेज, जब ये एकदम मैच्योर होगा, उसकी जो एज है वो मैच्योरिटी पे आएगी, तब यही स्टेज में से जो उसकी कुछ ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल दिस ब्रांच और दिस ब्रांच, ठीक है, यही ब्रांच डेवलप होती है, विकास पाने से, और यही ब्रांच
जो हमारा मेन थैलस का स्ट्रक्चर था कि मेन एक्सिस ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बनाती है, उसमें डेवलप होती है, या वी कैन से उसमें मेटामॉर्फोज होती है, एमा रूपांतरण पाने से। और उसके जो नोडल पार्ट है, मतलब दो सेल के बीच वाला रीजियन है, उसमें से ग्लोमेरुल मतलब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप होती है, मतलब हमारा बैट्रिकोस्पर्म प्लांट इस ब्रांच में से डेवलप हुआ, इस ब्रांच में से भी डेवलप हुआ और यहाँ से भी डेवलप हुआ। सो क्या होगा, न्यू बैट्रिकोस्पर्म प्लांट अराइजेस एज अ लेटरल आउटग्रोथ फ्रॉम द इरेक्ट फिलामेंट ऑफ कैंटेंसिया स्टेज। उसके जो इरेक्ट जो आयाम उभा तंतुओ छे तेमाथी साइड माथी अने मुख्य शाखा द्वारा पण एक थी वधारे बैट्रिकोस्पर्म थैलस सुकाई नु निर्माण करवामां आवे छे। ठीक है, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां हम वापस पहुंच गए। ठीक है, तो जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है वही यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। बैट्रिकोस्पर्म जो हमारा हैप्लोइड प्लांट था, इस बैट्रिकोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने, कार्पोगोनियम और स्पर्मेटांजियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर बने मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट स्पर्मेशियम वो भी एप्लोइड है, और यहाँ पे एग सेल अंडकोश। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने से यहाँ पे बना जायगोट, डिप्लोइड स्ट्रक्चर। दिस इज द ओनली स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, डिप्लोइड स्टेज। ये जायगोट में हुआ रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें से चार न्यूक्लियाई हैप्लोइड बने। इसके अंदर माइटोसिस हुआ, समविभाजन थयू, काफी सारे न्यूक्लियाई बने, प्रोट्यूबरेंस बना, प्रवर्ड बनया, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बने, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स बने, कार्पोस्पोरांजियम डेवलप हुआ, कार्पोस्पोर्स डेवलप हुए जायगोट से। और जो हाइपोबेसल सेल था, जो सपोर्टिंग सेल था, उसमें से स्टेराइल फिलामेंट बने, और ये सब ने मिला के बनाया कार्पोस्पोरोफाइट, या तो उसका दूसरा नाम लिखे हम सिस्टोकार्प, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनी। ठीक है, इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर बना कार्पो स्पोरांजियम, कार्पो बीजाणुदानी, उसके अंदर बने कार्पोस्पोर, वो भी हैप्लोइड थे। ये कार्पोस्पोर डेवलप होके कैंसेंसिया स्टेज बनाया, जिसके अंदर मोनोस्पोर्स बने,
उसने वापस जनरेट होके कैंट्रेंस या स्टेज बनाया, ये साइकिल चालू रहता है। ठीक है, और इस कैंट्रेंस या स्टेज में से डेवलप हुआ हमारा बैट्रेकोस्पर्म। इसको थोड़ा लाइन में ले लेते हैं। इसको लाइन में ले लेते हैं। और इस कैंट्रेंसिया स्टेज में से डेवलप हुआ नया बैट्रेकोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूरे लाइफ साइकिल में तीन अलग अलग हैप्लोइड एक किया अवस्थाओ जोवा मळे छे। ठीक है, जिसको मैंने स्क्वेयर यहाँ पे किया है पर्पल कलर से। मेन बैट्रेकोस्पर्म प्लांट वो हैप्लोइड है, कार्पोस्पोरोफाइट वो हैप्लोइड है, और कैंट्रेंसिया स्टेज ये भी हैप्लोइड है। तो तीन अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हमें स्टेजेस मिलते हैं बाह्यकार दृष्टिये अथवा रचनानी दृष्टिए। अपन ने त्रण अलग अलग अवस्था जोवा मळे छे के जे एककीय छे। कितली अवस्था जोवा मळे छे, कितनी हमें स्टेजेस दिखते हैं? थ्री। ठीक है, क्या दिखता है? तीन फेज। ठीक है, तीन अलग अलग हैप्लोइड फेज मिलते हैं, इसलिए ये जो लाइफ साइकिल है उसको हम कहते हैं ट्राइफेजिक, या तो थ्री हैप्लोइड जनरेशन है, ट्राइजेनिक लाइफ साइकिल। ट्राई थ्री मतलब यहाँ पे ट्राई, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक है, लेकिन ये तीनों स्टेज कौन से हैं? तो ये पहला हैप्लोफेज, दूसरा हैप्लोफेज, तीसरा हैप्लोफेज। हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, या तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ये दो वर्ड याद रखना। तो हियर एंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रेकोस्पर्म। ठीक है, ये लाइफ साइकिल बैट्रेकोस्पर्म का यहाँ पे खत्म होता है। ये प्लांट से चालू किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ सिस्टोकार, उसमें से डेवलपमेंट ऑफ चैंट्रेंसिया स्टेज, और चैंट्रेंसिया स्टेज से वापस बैट्रेकोस्पर्म प्लांट। सो हियर डिप्लोइड स्टेज है वो बहुत ही छोटा है। स्पोरोफाइटिक ये जो स्टेज है जो मैं अभी येलो कलर से अलग बता रहा हूँ वो है हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज या जनरेशन। बाकी का जो पूरा है वो है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो इमेजेस भेजी है जिसमें पूरा लाइफ साइकिल का ड्राइंग है, और पीछे की ओर जो दूसरा डायग्राम है उसमें ये सारा लिखा है कि दिस इज ट्राइफेजिक या ट्राइजेनिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, जिसके अंदर तीन हैप्लोइड फेज देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है,
और तीनों हैप्लोफेज मेजर है, डोमिनेंट है, बाहर से दिख रहे हैं, जाइगोट हमें नहीं दिखेगा, ये तो प्रोमिनेंट तीन स्टेज है, इसलिए इसको हैप्लो हैप्लो हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे तीसरा लाइफ साइकिल खत्म हुआ। ठीक है, तो हियर एंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ बैटरकोस्पर्म। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड बिफोर दैट मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।